हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। साल के बाद दोबारा बैकअप हो रहा है, द्वारा यूट्यूब में वापस आए हैं क्योंकि डीमोटिवेट हो गए थे थोड़ा सा। लास्ट ईयर लद्दाख गए थे, डाटा करप्ट हो गया वापसी पे, तो नहीं कर पाए कुछ भी, उसका व्लॉग नहीं आया। और इस सीजन फिर से लद्दाख जाने की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और इस बार ही जाएंगे और कैंपिंग करने का विचार है। तो कैंपिंग का कुछ सामान आ गया है, अब आगे फर्दर अनबॉक्सिंग वीडियोज आएंगी, तो देखते हैं क्या आया है। ये है हमारा डीकैथलॉन का टेंट, टाइटल से आपको पता लग गया होगा, तो इसको करते हैं अनबॉक्स। ओके, ये है हमारा टेंट MT 500 फोर क्लास का, कुछ इतनी सी पैकिंग में आता है, छोटा सा टेंट है। ट्रैकिंग टेंट होने का बेनिफिट यही होता है कि काफी लाइट वेट और छोटा होता है। अनबॉक्सिंग के बाद कैसा ये दिखता है, वीडियो में कंटिन्यू रहे। ये आता है इस बैग में, मेन इसमें सारे पोल्स वगैरह इसी में है। इसको मैं दिखाता हूं आपको, बहुत अच्छा बैग बनाया है इन्होंने। टू पॉकेट्स है, एक पॉकेट में आपके ये पोल आ जाएंगे, ये सारे पोल्स हैं इसके, और इसी को अगर आप फ्लिप कर दोगे तो सेकंड पॉकेट है इसमें। इसमें आपके ये गाइडलाइंस हैं, इनको गाइडलाइंस बोलते हैं, और ये आ गए फुट पैग्स जिसके होते हैं, और बीच में साथ में मिलता है ये इसकी कुछ रिपेयर किट होती है ताकि अगर बेंड हो जाए पाइप, कहीं ब्रेक कर जाए तो इसको ऊपर चढ़ा के हम दोबारा सेट कर सकते हैं। तो चलो पहले इनको रखते हैं साइड में और पोल्स को करते हैं सेट। ये जो पोल्स हैं ये डिफरेंट होते हैं, एल्युमिनियम पोल्स होते हैं, फाइबर के नहीं है। बेनिफिट ये है कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है फाइबर से। प्लास्टिक है बीच में, ये एक लेंथ हो गई, ये दूसरी है, और ये इसके छत की है छोटी सी पाइप। और इसके बाद इसको अनफोल्ड करते हैं। इसको असेंबल करना बहुत आसान है, एक पर्सन भी असेंबल कर सकता है बड़े आराम से, हार्डली 5 मिनट्स की जॉब है ये। पहले टेंट को हम ऐसे खोल लेंगे पूरा, प्रॉपर खोलने के बाद अभी एक पोल के लिए यहाँ पे भाई खोलवायो, यहाँ पे क्या है जगह दे रखी है पोल को डालने की, इसके बीच में से पोल डलेगा, बस इसको ऐसे इसमें स्लाइड करते जाना हमने पीछे से। तो यहां तक ये पोल आ जाएगा पूरा ऐसे पीछे तक, और सेम स्टाइल में ये हम दूसरे पोल को बीच में यहां से इंसर्ट कर। एंड पे एक ऐसा दे रखा है, इसको हमने थोड़ा सा खींच के, थोड़ा सा जोर लगेगा, घबराना नहीं है, टेंट नया है तो टाइम लगता है। ये हो गया ना इंसर्ट, उसके बाद हमने इसको बीच से पकड़ के उठा लेना है।
तो टेंट शेप लेना शुरू कर देगा आपका। सेम उसी स्टाइल में यहां पर भी आपका ये आ गया, इसको खींचना और ऐसे बीच में घुसा देना। रफली ये तैयार हो गया हमारा। सो आफ्टर दैट ये जो थर्ड पाइप है हमारी, इसको यहाँ पे बीच से इसमें डालेंगे, यहाँ बीच में डाल लेंगे और एक साइड पे लगा के दूसरी साइड पे थोड़ा सा खींच के। हाँ नहीं, ये जो है ये इसकी विंडो ओपन करने के लिए है, यहाँ पे इसके विंडो है। उसके बाद यहाँ पे इसको ये इंसर्ट कर देना है, ये ऊपर क्लिप लग जाएगा दोनों साइड में। सो हमारा रफली टेंट खड़ा हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसका डोर है, ये इसका डोर है, कुछ ऐसे ये डोर खुल जाता है। इसको फोल्ड करेंगे और यहां पे क्लिप दे रखा है, इसके बीच से इसको ये हमारी विंडो साइड होगी। और यहां पे अभी पेग्स लग जाएंगे, पैग लग के ये ऐसे खींच जाएगा। ये हमारी मॉस्किटो नेट है इसके अंदर, और अंदर से दिखा सकते हो, अंदर से कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाता है। 3% टेंट है, इनफ रूम। हाँ सो टेंट लग गया हमारा। अभी हमने ये इसके पैग्स नहीं लगाए, पैग्स लगाने बहुत आसान है। जस्ट एक पैग लेंगे यहाँ से, इसको आप जो यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं उसके बीच में इंसर्ट करके यहाँ से आप इसको खींच के लगा देंगे। अभी तो ज़रूरत नहीं है, रफली मैंने इसको लगा के दिखा दिया आपको। और ये होती है गायरोप, गायरोप भी सेम ही है इसकी। बेसिकली ये होता है जो जहाँ विंडी एरिया होता है, सो विंडी एरिया के लिए आप इसको लगा सकते हो। एक मैं लगा के दिखा देता हूँ, ये इसके साइड में दे रखी है। इसमें हमने ये इंसर्ट करना है और इसको यहां से खींच के सेम ऐसे ही टेंट के ऑपोजिट 45 डिग्री पे ये पेग लगेगी बाहर की तरफ। 45 डिग्री मींस टेंट ऐसे है तो हमने इधर से लगाना है। ये रफली लगा दिया मैंने और इसको यहां से ये टाइट होगी, जितना आपको टाइट करना है एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ये रफ मैंने लगा के दिखा दिया। तो चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या दिखाता हूं मैं आपको। सो अंदर चलते हैं, चलो यहां से। ये हमारी मॉस्किटो नेट है, इसको भी सेम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे, यहां फोल्ड हो जाती है। ये हमारा रूम तैयार है, कितना स्पेशियस है आप देख सकते हो। सो ये कितना स्पेशियस है, देखो तीन तीन जने आराम से इसमें आ सकते हैं हमारे। और ये इसका नेट है, मॉस्किटो नेट। इधर भी डोर है इसका सेम जैसा यहाँ पे डोर है, टू डोर है यहाँ पे। और सामान रखने के लिए यहाँ पॉकेट है, यहाँ पॉकेट है, नीचे में उधर पॉकेट है। सो इसमें तीन जने आ जाएंगे। और मेरी हाइट है 6 फीट, और देखो मैं कैसे पूरा आ जाता हूँ। ये मेरा हेड, हेड पे भी जगह है और नीचे में पैरों पे भी अभी तकरीबन 6 इंच की और जगह है, 6 मतलब 6.5 फुट का इंसान यहाँ पे आराम से रेस्ट कर सकता है। अभी चले लद्दाख। बिल्कुल नो होटल, ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि इसी में पूरा ट्रिप निकाले, एंजॉय करेंगे ऑफ बीट लोकेशन पे।
सो जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे एक डोर इधर है, इधर से दूसरा डोर भी दिखा देता हूँ मैं, सेम वैसे ही है, वेलक्रो खोल के। बिल्कुल बिल्कुल, वेंटिलेशन प्रॉपर है। एक यहाँ पे वेंट है इसका एयर वेंट के लिए, ये देखिए यहाँ पे इसमें ये इसकी विंडो है। सो यहाँ से भी हवा, रात को सफोकेशन बिल्कुल नहीं आएगी, पास हो जाएगी। दूसरी साइड भी सेम विंडो ऐसे ही है। अच्छा टेंट है, प्लस पॉइंट ये है बाइकर्स के लिए कि लाइट वेट है, जगह कम घेरता है और लेंथ में छोटा है। यही एक कुछ पॉइंट्स हैं कि मैंने ये लिया। प्लस इसकी एक प्लस पॉइंट और है, ये जो विंड रेजिस्टेंस है इसकी वो तकरीबन 80 किलोमीटर्स पर आवर की है। जो नॉर्मल डीकैथलॉन के 3000 वाले आते हैं वो 40 किलोमीटर्स की रेजिस्टेंस होती है, फोर्स 5 की, ये फोर्स 8 तक रिकमेंडेड है। और जो इसकी ग्राउंड शीट है वो 5000 mm की है, जबकि जो दूसरे टेंट है उनकी 2400 की होती है, अपर शीट बराबर है। एक प्लस पॉइंट और है इसमें, जैसे दूसरे टेंट में होता है, सो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसके पोल्स ऊपर से हैं। इसका अगर हमने सिर्फ डोम टेंट बनाना है तो यहाँ पे ये क्लिप्स लग रखे हैं, इन क्लिप्स को निकाल के ये नीचे का टेंट अलग हो जाएगा, सिर्फ डोम रह जाएगा। यहाँ पे डोम रहने का मतलब ये होता है कि अगर हमने सिर्फ छत चाहिए, हमें नीचे का टेंट नहीं यूज़ करना, और अगर इसमें हमें समर में यूज़ करना है तो हम इसकी ऊपर वाली शीट निकाल के इन्हीं जो क्लिप्स है इसमें पाइप लग जाएगी। तो ये ऑल सीज़न टेंट होता है, मतलब आप इसको स्नो में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको विंटर रेन कहीं पर भी यूज़ करो, रफ एंड टफ टेंट है। सो आपने एंजॉय किए कुछ सिनेमेटिक्स टेंट के, आई होप आपको भी अच्छे लगे होंगे। हमने इसमें तकरीबन 20-25 मिनट एंजॉय किया, काफ़ी बैठ के देखा, अच्छा लगा। फाइनल वर्डिक्ट यूज़ करने के बाद लद्दाख जाएंगे तब बताएंगे क्या होता है। और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, चैनल को सब्सक्राइब करना, फर्दर अनबॉक्सिंग वीडियोस जो हमने लद्दाख के लिए और प्रिपरेशन कर रहे हैं चैनल पर आएंगी। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।